हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, इसे हम क्रैब्स हेंसलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं या फिर ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यूरिया साइकिल को क्रैब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं या ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया साइकिल एक्चुअली में क्या है, इसमें सिंथेसिस होती है यूरिया की। एक ऐसा साइकिल है जो जिसके थ्रू यूरिया की सिंथेसिस हो रही है। ये जो यूरिया होता है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। यूरिया साइकिल में हम दिखा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिया। और ये यूरिया क्या चीज है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं एमिनो एसिड्स में, अभी हमने अपने पहले के वीडियोस में ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन की बात की है, उससे हमको क्या पता चलता है कि जो एमिनो एसिड्स हैं, जिसमें कि खासकर ग्लूटामेट, वो नाइट्रोजन को स्टोर करके रखता है। जितने भी बॉडी में नाइट्रोजन है, वो ग्लूटामेट में आकर स्टोर होते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो ग्रुप। तो इस तरीके से जो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से जब डीएमिनेशन का रिएक्शन होता है, तो उससे अमोनिया रिलीज होता है, और ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो इस अमोनिया की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। ये यूरिया एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है जो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन। इसको एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के थ्रू, जिससे ये यूरिया का फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि हम अमोनिया की टॉक्सिसिटी को कम कर सके। बॉडी टॉक्सिसिटी को कम करने की कोशिश करता है, और ये यूरिया बहुत हद तक वाटर में डिसॉल्व होता है, जिससे कि एक्सक्रीट होता है ये यूरिन के थ्रू। जो यूरिया साइकिल हो रहा है वो लीवर में होता है। इसके लिए जो लोकेशन है वो लीवर है। यूरिया साइकिल लीवर में चलता है। ये जनरली इसमें 5 एंजाइम्स काम करते हैं, या आप कह सकते हैं ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 2 एंजाइम्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर फर्स्ट 2 एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। मतलब यूरिया साइकिल का फर्स्ट जो 2 प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि बाकी के 3 प्रोसेस जो होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं, क्योंकि इनके लिए, इस बाकी जो रिएक्शन है उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कैसा है यूरिया साइकिल। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यहाँ पे अमोनियम आयन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों मिलकर कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट। जो एंजाइम है वो क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1। इस एंजाइम के एक्टिवेशन में 2 ATP खर्च होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो 2 ATP यूज हुए, जिससे कि 2 ADP प्लस PI यानी कि पाइरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एन एसिटाइल ग्लूटामेट की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सेकेंड स्टेप में कार्बामोइल फॉस्फेट से सेट्रोलिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है, ये है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम। तो इस तरीके से कार्बामोइल सेट्रोलिन में कन्वर्ट हुआ, तो ये रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। तो फर्स्ट 2 जो एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है लीवर के। अगला जो स्टेप है, इसमें सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्जिनोसक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ पर एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल आकर इस साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है। एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ATP, एक ATP खर्च हो रहा है, जिससे कि AMP का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इससे 2 बार एनर्जी रिलीज किया जा रहा है, 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पाइरोफॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है, पाइरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है। तो एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल अंदर आया है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, और एंजाइम ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम है, इससे फॉर्मेशन हुआ ऑर्जिनोसक्सिनेट का। ये ऑर्जिनोसक्सिनेट, ऑर्जिनोसक्सिनेट लाइजेस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं आर्जिनिन और फ्यूमरेट में।
आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइजेज एंजाइम। ये आर्जिनिन आके कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में, जब इसका आर्जिनिन से ऑर्निथिन वापस से बन रहा है, क्योंकि ऑर्निथिन यहाँ पर साइकिल में है, ये आ रहा है और फिर ऑर्निथिन बन रहा है। तो जब आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पर आर्जिनेज एंजाइम है जो आर्जिनिन से यूरिया को अलग करते हैं और ऑर्निथिन को अलग करते हैं। तो इस तरीके से यूरिया का सिंथेसिस होता है यूरिया साइकिल में। तो यहाँ पर 5 प्रोसेस हैं तरीके से जो यूरिया साइकिल है वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है लीवर के। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम ग्रुप अमोनिया मिलकर कार्बामोइल फॉस्फेट बना रहे हैं। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड एसिटाइल ग्लूटामेट इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है और 2 मॉलिक्यूल ATP के खर्च हुए। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कार्बामोइल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में एस्पार्टेट इन्वॉल्व होता है और 2 मॉलिक्यूल ATP का यहाँ पे हम खर्च मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATP से एक मॉलिक्यूल ATP से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप रिलीज किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल एनर्जी यूज हुआ है। ये ऑर्जिनोसक्सिनेट लाइजेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में आर्जिनिन और फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन आर्जिनेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में और इससे ऑर्निथिन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, जो कि अगेन साइकिल में काम आता है। जो फॉर्मेशन हुआ है यूरिया का, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। NH2 सी डबल बॉन्ड और NH2। तो यहाँ पर 2 अमोनिया के ग्रुप प्रेजेंट है, दो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट अमीनो ग्रुप जो है वो डेराइव्ड होता है अमोनिया से, ये अमोनिया से ही ये एमिनो ग्रुप यहाँ पर बन के आया है, जबकि दूसरा एमिनो ग्रुप एस्पार्टेट के मॉलिक्यूल से आता है। एनर्जेटिक्स देखते हैं, तो इसमें यूरिया साइकिल का टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, 4 ATP का हो रहा है। अगर हम इसे स्टेप वाइज लिखें तो फर्स्ट स्टेप में 2 ATP खर्च हुआ है और फिर थर्ड स्टेप में 2 ATP खर्च हुआ है। तो इस तरीके से टोटल जो कंजप्शन है एनर्जी का वो 4 ATP कंज्यूम हुआ है। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं? तो यूरिया साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, हर एक स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व था। तो अगर किसी हर स्टेप में एक एक एंजाइम है, मतलब अगर उन एंजाइम्स की कमी होती है तो अलग अलग डिफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से 5 डिफेक्ट यहाँ पर पॉसिबल हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है हाइपर अमोनेमिया टाइप 1। ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट। अगर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट की डेफिशियंसी है, ये यूरिया साइकिल के में सबसे पहला एंजाइम है, के फर्स्ट स्टेप का एंजाइम है, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 प्रोड्यूस होता है। सेकेंड डेफिशिएंसी हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 है, जो कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम्स के डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, ये सेकेंड नंबर का एंजाइम है। सिट्रुलिनेमिया ये ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स के कमी की वजह से होता है। अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो सिट्रुलिनेमिया यहाँ पर दिखाई देने लगता है, और ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम, या जिसे हम कहते हैं ऑर्जिनोसक्सिनेट लाइजेज एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया होता है। आर्जिनेज एंजाइम ये 5वें नंबर का एंजाइम है, आर्जिनेज एंजाइम जिससे कि आर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा था, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो हाइपर आर्जिनिनेमिया की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये थे डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। बहुत ही आसानी से यूरिया साइकिल में अगर डिस्टर्बेंस है तो वो पहचान में आ जाता है, क्योंकि जगह जगह पर अमोनिया की टॉक्सिसिटी होती है और इसका डिपोजिशन होने लग जाता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है कि इसमें किसी तरह का एंजाइम डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से यूरिया साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।